हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज हम बनाए हैं दूध का पीठा, मावा वाला, जो ठंडा का सीज़न में बनाया जाता है और ठंडा का सीज़न में ज़्यादा खाना पसंद करता है सब। तो इसके लिए हम आरा चावल का आटा लिए हैं, आधा केजी लगभग। तो इसे भी हम गर्म पानी से गूँथेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे। तो अभी हम इसे गूँथ के डो बनाते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किन किन को ये पसंद है दूध वाला पीठा मावा का, तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी रेसिपी हम बना रहे हैं, तो अगर अच्छे लगेगा तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी हम बना रहे हैं, देखिए डो भी रेडी हो गया है। थोड़ा हार्ड रहता है, उतना सॉफ्ट नहीं करना है। तो अभी हम बना गूंद के रखे, तो इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए थोड़ा देर के लिए। तो अभी ये रेस्ट करने के लिए चला गया। तब तक हम मावा हम लाए थे 200 ग्राम लगभग, ये मार्केट का मावा है। तो इसे हम अभी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे कढ़ाई में डाल के। तो अभी इधर कढ़ाई गर्म हो गया था, इंडक्शन पर चढ़ा दिए थे, तो कढ़ाई में अभी हम मावा डाल देंगे। सॉफ्ट होने तक थोड़ा देर के लिए हम भून लेंगे, कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा तेल भी छोड़ मतलब घी छोड़ देगा। तो अभी हम इसे थोड़ा तेल के लिए भून लेते हैं। तो देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और ये फटाफट मेल्ट हो जाता है। तो ये मेल्ट भी हो गया है, तो इसे हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक ये ठंडा होता है। उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे, लगभग 1 kg, आधा kg आटा ले रहे तो 1 kg दूध ले लीजिएगा। ये मेज़र ठीक होता है, इससे कम लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इतना हम 1 kg दूध डाल दिए उबलने के लिए वही कढ़ाई में। ये मोटा तल का कढ़ाई लीजिएगा ताकि आराम से धीरे धीरे पके। तो अभी इसमें हम दूध को उबलने के लिए रख दिए और इधर मेरा मावा भी ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के रखे थे वो अभी हम डालेंगे, काजू और बादाम। तो अभी ये हम डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम नारियल का बुरादा डालेंगे, वो भी हम मार्केट से ही खरीद के लाए थे। अगर आपके पास नहीं होगा तो घर में जो नारियल होगा उसे उसको भी घीस के आप डाल सकते हैं। तो अब ये हम डाल लिए। और शुगर कम से कम 3 बड़े चम्मच डालिएगा, ज़्यादा मीठा ना कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो 3 चम्मच हम डाले हैं, आप कम बेसी भी कर सकते हैं, अब जैसा आप लोग को पसंद हो मीठा। तो हम 3 चम्मच डाले हैं बड़ा चम्मच से। तो इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए मावा में। मिक्स कर लेते हैं हम मावा। आप घर पे ही भी बना सकते हैं। मावा बनाने के लिए सिर्फ दूध लगता है, दूध को बहुत गाढ़ा करना पड़ता है। गाढ़ा करते जाइए, गाढ़ा लास्ट में मावा बन जाता है। तो देखिए मेरा मावा भी मिक्स हो गया, तो हम रख दिए थे। आटा भी देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा तेल लाल हाथ में लेके थोड़ा सा मिला देंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे अच्छे से। तो ये भी सॉफ्ट हो गया और इधर मेरा दूध को हम चला ले रहे हैं ताकि नीचे चिपक चिपक के जले ना। तो इधर दूध भी चला लेते हैं। उसके बाद इधर हम आटा का लोया करके सारा रख लेंगे और लोया में थोड़ा थोड़ा करके हम भरते जाएंगे। जितना बड़ा आपको साइज चाहिए, जो भी शेप चाहिए आप बना सकते हैं। ये रेसिपी लगभग बिहार के लोग ज़्यादा बनाते हैं, वो लोग हमेशा ठंडा में ये रेसिपी बना के खाते हैं। वो भी जहाँ पे भी रहे सब लोग बना के खाते हैं। तो आज हम भी ट्राई किए हैं। तो इसे भी हम भरेंगे, इसको गोल गोल करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे, प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा पतला करते जाएंगे। जैसे सत्तू का पराठा बनाने के लिए सत्तू भरते स्टफ करते, वैसे ही इसको भी वैसे ही करना है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा मावा लेंगे, जितना इसमें ले अटेगा उतना। तो अभी हम मावा लेके अच्छे से चारों तरफ से चिपका देंगे। तो अभी गोल गोल करके अच्छे से प्रेस करना, नहीं तो ये फट जाता है। तो धीरे धीरे से करना है। तो अभी हम धीरे धीरे करते करते सारा हम इसी तरह कर लेंगे, बना के रेडी कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है पर हो जाता है, खाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा टाइम लगता है फिर हो जाता है। तो देखिए बन के मेरा रेडी हो गया है। ऐसा बनाइएगा ताकि फटे ना रहे, चारों तरफ से अच्छे से
गोल कर दीजिएगा। तो अभी हम इसी तरह सारा बना के रेडी कर लेंगे। तब तक मेरा दूध इधर उबल गया है, तो इसमें जितना हम बना के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। हम कुछ गोल साइज़ का बनाए हैं और कुछ लंबा साइज़ का बनाए हैं, आप लोग कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे, जितना लेगा दूध में उतना ही, एक्स्ट्रा ना डालें नहीं तो अच्छे से नहीं सीज पाएगा ये, तो पक पाएगा। तो जितना जगह है उतनी ही डालिए। तो अभी हम सब डाल लेते हैं, दाल के इसे हम पकने देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। धीरे धीरे पकेगा, कम से कम 15 मिनट तक। तो ये पकने का पक जाता है ना, तो ये ऊपर आ जाता है पक पक के। तो देखिए ये मेरा फ़िलहाल, अभी हम पकने देते हैं इसे तो कम से कम 15 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए ये पक के आ चुका है सब ऊपर। तो अभी हम निकाल के इसे दूसरा बर्तन में हम रख लेंगे। उसके बाद दूसरा वाला जो हम बना के रखे हैं गोल गोल, फिर हम डाल देंगे इसमें। तो अभी हम इसे निकाल ले रहे हैं। दूध नहीं निकालना है, बस पीठा निकालना है जो है इसमें। दूध उसमें अभी और सीजेगा ना, इसीलिए दूध नहीं निकालना है अभी। तो अभी देखिए धीरे धीरे करके अभी हम सब निकाल लेते हैं एक करके। पकने के बाद ना थोड़ा ये हार्ड हो जाता है, पहले सॉफ्ट रहता है लेकिन पकने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। कौन कौन खाए हैं ये रेसिपी कमेंट करके वो भी बताइएगा, कौन कौन खाए हैं। तो इसमें दोबारा से हम डाल लेंगे फिर से जो पीठा, देखिए कितना अच्छा से पक गया है। तो दोबारा से हम पीठा डाल देंगे जो बना के रखे थे, सारा इसमें डाल देंगे। तो अभी हम सब डाल देते हैं। डालने के बाद इसे भी हम 20 मिनट तक पका लेंगे, बीच में एक दो बार चला देंगे ताकि वो चिपके ना नीचे। तो इससे भी हम 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ताकि इसको हम पका लेंगे। दूध शुरू में ठंडा था ना, इसलिए हम 20 मिनट तक के लिए इसे पकाए हैं। तो ये पक जाएगा, तो जो भी इसमें बचा हुआ था ये पक गया है फिलहाल। तो जो हम पहले से बना के रखे थे पीठा वो भी हम इसी में डाल देंगे और ढक के रख देंगे थोड़ा देर के लिए। तो अभी हम सबको इसमें एक एक करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक देंगे। ये फिलहाल मेरा बन के रेडी हो चुका है, ये आधा घंटा में बन के रेडी हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और झटपट से भी बन जाता है। ये आधा घंटा के बाद आप खा सकते हैं जब ठंडा हो जाए तो। अभी हम इसे ढक के रख देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।